बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, ज्येष्ठ की अमावस्या भी बड़ी कीमती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ज्येष्ठ की पूर्णिमा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है? देखिए, पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सम सप्तक होते हैं, आमने सामने होते हैं, और इस दिन चंद्रमा कंप्लीशन पे होता है, संपूर्ण होता है। जितनी भी पूर्णिमा पड़ती है, ज्यादातर आप देखें जितने भी संतों का, महात्माओं का आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है, वो पूर्णिमा तिथि को भी हुआ है ज्यादातर। और अगर हम देखें तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर महात्मा संत कबीर दास जी का प्राकट्य हुआ था। पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। इस दिन पूर्णिमा किसी भी महीने की हो, ज्येष्ठ की पूर्णिमा तो खैर और भी इंपॉर्टेंट है, इस दिन स्नान करना, दान करना और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। और ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर वृक्षों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा जल, वट वृक्ष और भगवान सूर्य की उपासना से विशेष लाभ होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर अगर कोई महिला या कोई पुरुष बरगद के तने में पीला धागा लपेट करके प्रार्थना करता है, कम से कम 7 बार या 9 बार परिक्रमा करें पीला धागा हाथ में लेकर के और बरगद के तने में लपेट दें, उसके बाद प्रार्थना करें, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर भी धागा लपेटा जाता है, लेकिन वो सफेद होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जो धागा लपेटा जाएगा वो पीला होगा, ये याद रखिए। और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अगर आप बरगद का पौधा लगाते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी पार्क में, सड़क के किनारे, तो संतान पक्ष की समस्या आपको कभी परेशान नहीं करेगी, संतान पक्ष की उन्नति जरूर होगी। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जो दान करना है वो करिए, पवित्र नदी में स्नान करना है वो करिए, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बरगद का एक पौधा जरूर लगवा दीजिए।